रोगियों और रिश्तेदारों को सबसे पहले कटे हुए हिस्से की खोज करनी चाहिए। जब वो अंग मिल जाए तो उसे जीवित रखने के लिए सबसे पहले एक छोटी पॉलिथिन ले, जो कि कहीं भी आसानी से उपलब्ध रहती है। फिर कटे अंग को अच्छे से साफ पानी से धोकर उस साफ पॉलिथीन में डाल लें और उसकी गांठ बांध लें। उसके बाद इस पॉलिथीन को एक दूसरे बर्फ से भरे बड़े पॉलिथीन में अंदर इस तरह बांधकर लटका लें कि कटे हुए अंग का सीधा संपर्क बर्फ से ना हो, यानी कि पॉलिथीन में भी बर्फ और अंग एक दूसरे को ना छुएं, बस अंग को हल्की ठंडक मिलती रहे। इसके बाद जल्द से जल्द मरीज को कटे हुए अंगों के पॉलिथीन के साथ बड़े अस्पताल ले। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जब भी इमरजेंसी में किसी को चोट लगती है, चाहे वो माइनर हो, सीवियर हो या कॉम्प्लिकेटेड हो या ऑपरेट हो चुका हो, कुछ भी हो चुका हो और उनको दर्द हो रहा हो और वो ये सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब हमारा ट्रीटमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे हमारे पास इतने फ़ोन इतने मैसेज आते हैं कि हम उठा नहीं पाते। तो ये जो लेडी है हमारे फैमिली में है, जो कि मैं इनके घर भी रहा हुआ हूँ, ये मेरे घर भी रहे हुए हैं, तो इतना फैमिली क्लोज रिलेशन होकर आदमी हमसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है कि सर यहाँ पर बताओ कोई आपका डॉक्टर हो और हम वहाँ पर इलाज करा लें आपके रेफरेंस। ऐसा ज़्यादातर जब ऐसे क्लोज रिलेशन होता है, दिल्ली से जयपुर तो मैं आ नहीं सकती, तो ये जब इनको चोट लगी इनसे पूछते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये इतनी दूर दिल्ली से जयपुर क्यों आई जहाँ पर ट्रीटमेंट की कोई कमी नहीं है, ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। और आज इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा लग रहा है, इनको हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी, उसी दिन छुट्टी कर दी, रात को ऑपरेशन करके, और इनको कोई हमने टेंशन नहीं दी, ये इनसे पूछते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो पेशेंट भी सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन थी ना, कैसे नहीं चोट लगी थी? मेरे को चोट स्कूल में लगी थी। हाँ। इको गाड़ी से, उसके अंदर मैं गेट बंद कर रही थी, उसमें उंगली फंस गई थी। हाँ। फिर मेरे ड्राइवर ने निकाला मुझे अच्छे से, फिर उसको दबा लिया, खून बह रहा था बहुत बुरी तरह, मैं उस पर हाथ नहीं लगवा पा रही थी। डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने थोड़ा सुन करके दवाई डाल के उस पर पट्टी बांध दी, उन्होंने कहा इंजेक्शन लगा दिए, जब आपकी इच्छा हो जब आपका नाखून निकाल देंगे, ये सर्जन बुलाना पड़ेगा। जब उन्होंने मुझे बोला ना सर्जन बुलाना पड़ेगा, तो फिर मैंने कहा पट्टी बांध दो, मैं अभी देखती हूँ कहाँ करवाऊँगी। फिर मैं पट्टी बंधवा के घर आई तो फिर उसमें दर्द हो रहा था। ओके। फिर मैंने एक और इंजेक्शन लगवाया आने के बाद। हाँ हाँ। फिर डॉक्टर ने कहा एक और इंजेक्शन लगवा लो। फिर लगवाने के बाद मैंने आपकी बहुत वीडियो देखती थी और सब लोगों से सुना भी था और मुझे पता भी था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ ना करवा के सीधा जयपुर चलते। फिर मेरा बेटा रात को ही मुझे जयपुर लेके आ गया और मैंने अपना रात को ही ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराया। ठीक है। जिससे कि मुझे बिल्कुल ठीक लगा अपने आप को आने के बाद, मेरे को पेन भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा था। दिल्ली भी डॉक्टर ने पेन कर दिया हाथ लगाते ही, कि मेरी मुड़ गई उंगली, ऐसे मुड़ गई कि उसमें हिल भी नहीं पा रही थी वो। तो फिर मैंने जयपुर आके इसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाया। ठीक है। अब अमन तुम ये बताओ, तुमने मम्मी को एक बार थोड़ा पास कर लो, ऐसा नहीं कहा कि मम्मी तुम डॉक्टर अमित मित्तल को जानते हो, उन्होंने दिल्ली से ही किया है तो यहीं पर ही 10 डॉक्टर को बता देंगे, कहीं पर भी हो जाएगा, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आया? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस ही आप पे था सर। परफेक्ट। ठीक है। ओके। तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब भी कोई भी इमरजेंसी होती है इनिशियल ट्रीटमेंट आपको लेना है, लेकिन कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जैसी इनकी थी, अगर मैं किसी को भी बोल देता शायद वो इनको उस हिसाब से नहीं देखते जैसे कि ये एक्सपर्ट लोग देखते हैं। जैसे कि इनकी जो देखने में, अगर इन्होंने जब मेरे को बताया था, इनको ये भी नहीं पता था हड्डी टूटी हुई है और मैंने इनका कोई एक्सरे नहीं कराया, क्योंकि मैंने जब ऑपरेशन किया उसी टाइम ही देख लिया था कि जो वो ज़्यादातर पार्ट लोग क्या करते हैं कि जैसे अंगूठा वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, नाखून निकाल दो और अपने आप ठीक हो जाएगा। इनकी मैंने नाखून निकाल कर नाखून को रिपेयर किया है माइक्रोसर्जरी द्वारा, बोन को वहाँ पर फिक्स किया है और जितनी भी स्किन थी उनको इतना सा भी मैंने कट नहीं लगाया, और जो सूचर्स हैं वो बिल्कुल एब्जॉर्बल सूचर लगाए हैं। और आज इनको सिर्फ कितने दिन हुए मैडम आपको? 24 डेज। सिर्फ 24 डेज दिए हैं। और कितने टाइम की दवाई दी थी हमने आपको? एक हफ्ते की दी थी मैंने, 2 डेज ली थी बस। और आपको हमने जॉब पे जाने के लिए कहीं भी रोका था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमने ड्रेसिंग करी थी वो कितनी लाजवाब थी? नहीं थी, बहुत बढ़िया थी। जो मैंने दिल्ली से करवाई उसको तो ड्रेसिंग उंगली ही में पेन था आज तक। हाँ। जब भी हमने आप जब काम पे जा रहे थे तो कोई भी आपको टेंशन थी कि नहीं, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, नहीं, मैं एक्सरे तो नहीं करवा लूँ? नहीं, तो इन पेशेंट का मैंने ऑपरेशन के बाद कोई एक्सरे भी नहीं करवाया, ना अभी करवाया, वायर भी निकाल दी। ये कोई गलत ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जब एज ए सर्जन मैंने किया है तो मुझे पता है कि क्या है, लेकिन कई लोगों जो शक्की लोग होते हैं उनके लिए हमें एक्सरे भी कराते हैं और सब चीज़ें कराते हैं, लेकिन अगर एज ए डॉक्टर अगर आप देखो तो मेरे को इनके एक्सरे की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनको आज ही मैंने मूवमेंट भी करने के लिए बोल दिया है, ये इनका मूवमेंट है, जबकि आज ही मैंने वायर निकाली है इनकी। और इनकी शेप उंगली की एक बार पास से दिखा दें,
जी इनकी शेप है, इनकी उंगली की, उंगली की शेप ठीक है ना मैडम? पक्का है ना? पक्का, ठीक है, श्योर। तो आपने जब भी यहाँ पर आए थे किस किस टाइप के पेशेंट देख रखे हैं आपने जयपुर, मतलब मेरे सेंटर पे आते थे आपने? बहुत तरह के, मेरे से देखे नहीं जाते, देखे नहीं जाते, चलो ठीक है। तो आप सबके लिए यही है कि इमरजेंसी में आपका जो लक है वो ज़्यादातर, क्योंकि हर जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं, ये ठीक है इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा।